मैजिनी हो या गैरीबाल्डी हो या कमाल पाशा हो जितने भी बड़े क्रांतिकारी हैं कभी भी इतनी सी उम्र में इतनी मासूम उम्र में कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं गया तो ये मैं प्ले पढ़ता हूँ उसके बाद में आपके जितने भी सवाल होंगे आप सीधे बहुत ही इन्फॉर्मल सेशन है आ, आप सीधे जो है मुझसे कर सकते हैं जितना संभव होगा जितना जवाब मैं दे सकता हूँ उतना मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा हाँ ये प्ले शुरू होता है नाइनटीन से एक्चुअली ये प्ले है भगत सिंह के बारे में लेकिन ये खत्म होता है 1994 पे दिस इज अबाउट कॉन्टेम्पररी इंडिया नॉट अबाउट सरदार भगत सिंह वो हिंदुस्तान जो कि भगत सिंह तस्वूर करके गए थे और वो हिंदुस्तान जो कि हम लोगों को मिला है उन लोगों ने इतनी मेहनत की उसके बाद में हम किस चीज़ की क्या खा रहे हैं आज की तारीख में मैं एक एवरेज टैक्स पे ही हूँ अच्छा टैक्स पे ही हूँ ठीक ठाक वक्त पर टैक्स पे करता हूँ लाल बत्ती देख के सड़क पार नहीं करता और मेरे ऊपर कोई चारा या आरा का मुकदमा नहीं चल रहा इसके बावजूद ऐसा क्यों हो जाता है कि जब छब्बीस ग्यारह का अटैक होता है तो मुझ जैसे आम बाशिंदे को सरकार की सिक्योरिटी नहीं मिलती और फिर भी मुझे मजबूर होकर अगले साल फिर टैक्स देना पड़ता है ये सब जो है उसी चीज़ के बारे में था तो 1965 में 31 में उनकी मौत हो गई थी 1965 सिक्सटी फाइव में आ, उनके साथी बटुकेश्वर दत्त जिनके साथ उन्होंने असेंबली में बम फेंका था वो अपने कैंसर में रीढ़ की हड्डी के कैंसर लेकर सफदरजंग अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़िया गिन रहे थे तो उस वक्त हमारा जो मेन प्रोटेकनिस्ट है ही इज़ नॉट सरदार भगत सिंह ही इज़ अ पर्सन कॉल्ड मार्कंड त्रिवेदी जो कि फिक्शनल कैरेक्टर था क्योंकि सरदार भगत सिंह पर प्ले लिखने में एक बहुत बड़ा खतरा ये था एक सेकेंड एक बहुत बड़ा ख़तरा ये था कि हम सरदार भगत सिंह का सिर्फ तारीफ कर सकते हैं ये था वो था वो था वो था जब तक एक जूडास जब तक एक एंटी फोर्स तैयार नहीं की जाएगी उसके सामने जो ये कहे कि तुम कुछ नहीं थे तुम कुछ नहीं थे तब तक उसको जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा तो सरदार भगत सिंह जो है हमारे प्ले में ही वॉज नॉट अ मेन कैरेक्टर हमारे प्ले में मार्कंड त्रिवेदी नाम का व्यक्ति एक मेन कैरेक्टर था जो कि आज भी जिंदा है जो 1994 में उसकी मौत के बाद शिव वर्मा से मिलता है जो कि कानपुर में उस वक्त जिंदा थे भगत सिंह के अंतरंग साथी 94 में उनकी मौत हुई थी और 94 में उनसे मिलने के बाद में वो रोता है कि मैंने जिंदगी भर मेरे पास में स्वाधीनता संग्राम का सर्टिफिकेट है मेरी पत्नी बहुत बड़े स्कूल्स में पढ़ाती है मैं बहुत बड़ी मजडीज में आया हूँ इसके बावजूद रातों में सपनों में वो आता है और मुझसे बोलता है कि तुम कुछ नहीं थे जो था वो मैं था मैं जो कर गया वो तुम कभी नहीं कर सकते एंड ही वॉज अ सन ऑफ आई ऑफिसर ये जो मार्कंड त्रिवेदी था आई ऑफिसर जिसने कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मतलब मज़े के तौर पर रिवोल्यूशन में कूदने की सोच ली थी और जब बंद हो गया था मूवमेंट तो इन लोगों के दम निकल गई थी उस वक्त अगर काशी विद्यापीठ और सरदार hmm. कौन थे अपने उन लोगों ने अगर लाहौर नेशनल कॉलेज नहीं खुलवाया होता तो जिन लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस छोड़े थे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी क्योंकि सरकारी स्कूल में लेने से इनको इनकार हो गया था कि वापस नहीं ले जाएंगे तो ये जो है प्ले शुरू होता है कि आ, 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 ए, ए, एरिया फेड आउट हो रहा है एक दूसरा एरिया फेड इन हो रहा है सफदरजंग अस्पताल दिल्ली जमाना नाइनटीन का एक बूढ़े के बिस्तर के सामने एक आदमी खड़ा है बूढ़ा मतलब बटुकेश्वर दत्त और आदमी मतलब मारकंड त्रिवेदी द प्ले स्टार्ट बूढ़ा उसे ध्यान से देखते हुए मैंने पहचाना नहीं आदमी ध्यान से देखिए बूढ़ा थके स्वर में याद नहीं आता यार आदमी दरअसल बातें पुरानी हो चली, बातों के साथ तारीखें पुरानी हो चली तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला इतिहास के साथ व्यक्ति पुरानी हो चली तो बूढ़ा बोलता है व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते क्योंकि व्यक्ति इतिहास के ग़ुलाम नहीं होते वो तारीखों के ग़ुलाम नहीं होते इतिहास को लोग किताबों पर छपी इबारतों के ज़रिए जानते हैं व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाज़ों पर पड़ी एक ठक भी काफ़ी है तो आदमी बोलता है तो अपनी स्मृति के दरवाज़ों को खटखटाइए शायद कुछ याद आ जाए बूढ़ा उसे बहुत ध्यान से देखता है फिर थक कर बोलता है माफ़ करना भाई एक तो याद नहीं आ रहा और दूसरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची है कि जरूरत से ज़्यादा जोर डालकर सोच सकूँ तकलीफ़ होती है आदमी थोड़ा द्रवित स्वर में आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लगे बूढ़ा उसे ध्यान से देखते हुए तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव होता है बाकी उसका जिंदा रहना इसलिए ज़रूरी है कि मर के वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित कर सकती हैं और कितना नहीं वो फैज़ अहमद फैज़ का शेर पढ़ा है आदमी स्थिर स्वर में कौन सा बूढ़ा कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा और जब याद की खोई हुई उन शमों में कहीं नज़र आया एक नगमा तेरी दिलदारी का तो मैंने उससे भी गुज़रना चाहा मगर इस दिल ने ठहरना चाहा बूढ़ा स्थिर स्वर में एक शेर मुझे भी याद है बूढ़ा कौन सा आदमी वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है सुना है आज मख्तल में हमारा इतहा होगा इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमा होगा बूढ़ा ध्यान से देखते हुए कौन हो तुम आदमी ये गुमनाम शायर का शेर है बूढ़ा कौन हो तुम आदमी आज 1965 चल रहा है सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठकर मुझे याद आ रहा है कि ये शेर आज से 40 साल पहले जब्त कर लिया गया था लाहौर में बूढ़ा तुम लाहौर में थे आदमी मैं कानपुर में था मैं आगरा में था मैं पटना में था मैं कलकत्ता में था मैं दिल्ली में था और मैं लाहौर में भी था बूढ़ा उसे गौर से देखते हुए किस वक्त की बात कर रहे हो आदमी उन्नीस सौ उन्नीस की तेरह अप्रैल की जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे खूनी बैसाखी मनी थी जिस दिन बाप चीखा था जिस दिन बच्चा चिल्लाया था और जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिले के गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल को देख कर एक माँ बिफर कर बोली थी बूढ़ा आदमी फेड आउट हो रहा है म्यूजिक के साथ स्टेज के बीचों बीच एक स्पॉट फेड इन हो रहा है उसमें खड़ी एक औरत की गरजती कांपती आवाज़ आ रही है औरत अपने बच्चे का मांस खाऊंगी अगर इस साल फसल को मुँह से लगाया तो वो ज़मीन हमारी वो मिट्टी हमारी वो खेत हमारे तुमने जन्मा है इस फसल को हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए हमारा खाद डालकर हमारा पानी डालकर इसमें ज़िंदगी है हमारे बच्चों की इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमान गुंजा देती हैं ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती ये सांसें आज एक साथ मिलकर नाले बहा देती अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता तो आज इस बैसाखी बैसाखी की शाम को मेरे साथ हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों माएँ अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाह करके बैठी होंगी जहाँ कटी है हमारी फसल जहाँ उजड़े हैं हमारे खेत जहाँ वीरान हुई है हमारी बैसाखी उस जलिया के बाग में जिसकी मिट्टी को आज सुबह मेरे बच्चों के खून से रिस रिस कर रंग दिया गया वो गांधी हमारे महात्मा करते हैं हम अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द हैं उनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में ले जाओ उनको अपने साथ और बतला दो इन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा धीमे धीमे एक गजता हुआ म्यूजिक आने लगा है निपथ से और धीमे धीमे मंच पर सुलेट में एक बड़ा स्ट्रक्चर आकार लेने लगा है महात्मा गांधी और उनके पीछे हाथ भींच कर चलती रही भीड़ असहयोग आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला नजारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़ चुका है म्यूजिक बढ़ चुका है पूरा स्ट्रक्चर स्पष्ट होता है और म्यूजिक प्रसेंडो पर पहुंचकर धड़ाक से रुकता है शाफ फेड आउट शाफ फेड इन लाहौर नेशनल कॉलेज कैंटीन जमाना उन्नीस का छात्र तनाव बेचैनी मुठियां भींचे दो तीन छात्र घूम रहे हैं बाकी लोग बैठे हैं भगत यह बात कब की है यशपाल कल शाम की भगत कितने लोग थे भगवती भाई वो तो अकेला ही था दूसरी तरफ चार पांच थे भगत चोट काफ़ी आई जयगोपाल गोपाल सर हिलाते हुए हाँ लगी तो है भगवती भाई मैंने आज सुबह डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊँगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं हैं इसलिए ऐसे ही चलने दो भगत उल्लू का पट्टा है उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद हुए आज एक साल होने को आ रहा है अब सरकारी अस्पताल में जाने में क्या दिक्कत है साले अंधे होकर लड़ाई लड़ोगे और तुम सब लोग कहाँ थे यशपाल प्रोग्राम तुम्हारा भी था जाने का तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे तू मिला नहीं लेकिन फिर शाम को ही लाला जी ने मीटिंग बुला ली परसों बड़े चौक पर वॉयस राय का पुतला जलाया जा रहा है जुलूस भी निकलेगा इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए रात को मालूम पड़ा कि वहाँ झगड़ा हो गया तू कहाँ चला गया था भगत बीवे जी की तबीयत खराब थी एकदम जाना पड़ गया वापसी की सवारी नहीं मिली इसलिए सुबह आया लेकिन तुम लोग मालूम तो कर लेते कि कहाँ के थे सालों से बाद में निपट लेते मारकंड त्रिवेदी दबे में वो तो मालूम पड़ गया है ऑफिसर्स लेन के साहबों के लौंडे हैं लेकिन अब तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते भगत क्यों मारकंड उन्होंने एफ लिखवा दी है उल्टे उसके खिलाफ अब कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा सुखदेव अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा और बढ़ेगा तो निपट लेंगे लेकिन मुइन है कहाँ आपसे मिला था कि भगवती भाई भगवती भाई मिला था लेकिन एकदम ही गायब हो गया अब तो बस एकदम मुइन की एंट्री उसे देख के उठते हैं सब लोग वो अंदर आता है उसके सर पे पट्टी बंधी है लड़के उसे कुर्सी पर बैठाते हैं उसके लिए पानी ला जाता है वो झटके से गिलास अपने सामने से हटा देता है भगत उसके पास जाता है और गंभीर स्वरों बोलता है मैं तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा एक लाइन से जवाब दे उन लोगों के नाम वो वैसे ही एक तरफ देख देखते बैठा रहता है भगत उसका कॉलर पकड़कर झटके से उसे उठाता है मैंने नाम पूछे नाम मुइन जिम क्रेन स्टीफन क्रेन और बाकी दो को मैं जानता नहीं भगत उसे ध्यान से देखते हुए ये ऑफिसर्स लेन के डेविड क्रेन के लौंडे तो नहीं मुइन मुश्किल से हाँ भगत उसे छोड़ता होगा ठीक सुख थाने में एफ में बाकियों के नाम दर्ज होंगे ही तीन लोग ही काफ़ी हैं उनके लिए हॉकी स्टिक्स ले लेना बाकी हाथ पैर ये साले रात को दा, क्लब से लौटते हैं दारू पी के पीपल मीनार के पास बजा देना सुखदेव सर लाता है ठीक भगत और देखना इनकी गाड़ी का एक कांच सलामत ना बचे उस पर बहुत नाज है इन लोगों को सुखदेव समझ गया मारकंड लेकिन पूरी बात तो सुन ले यार हो सकता है गलती इसी की रही हो मुइन एकदम झटके से पागलों समान उठता है मेरी गलती मेरी गलती मैंने खैरू को बचाया वो मेरी गलती थी मैंने उसकी बीवी और बहन को बचाया वो भी मेरी गलती थी साले यहां बैठ के बकवास कर रहा है वहां चौड़े में आने में तेरी दम निकल रही थी मारकंड अरे तुम तो मुझ पर कुछ चढ़ रहा है यार हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना उनका रंग सफेद है तो गलती हमेशा उनकी होगी सुखदेव गर्म होकर हाँ उन्हीं की होगी मारकंड अब यूं हम कुछ भी कह सकते हैं भक्ति भाई भगवती भाई हम नहीं कह रहे ये वक्त कह रहा है मोइन क्या बात हुई थी मतला मोइन जिसे उबल उबल कर आने को है यशपाल ने बोला था जगमग पर फिल्म चलेंगे शाम वाला शो टिकट ले लेना मैंने टिकट ले लिए मैं वहां खड़ा हुआ इन सब का इंतजार कर रहा था कि अंदर से शोर सुनाई दिया अंदर भागा तो मालूम हुआ कि वो चारों खैरू को जमीन पर पटक कर लातों घूसू से मार रहे थे उसकी बहन और बीवी पास में खड़ी थी और उसकी बीवी की गोद में उनका छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था भगत ये खैरू वो तांगे वाला मोइन हाँ भाई और मारते हुए इंग्लिश में बहुत ही गंदी बकवास के जा रहे थे कि साले हमसे कॉपरेट नहीं करोगे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाओगे काले कुत्तों वापस लेना पड़ा ना तुम्हारे उस बाप गांधी को हमारे कंधे से कंधा भड़ाकर लड़ने की कोशिश करोगे और उसके बाद हाफ्ता है वो भगत उसके बाद मुइन उसकी आंखें भर आती हैं उसके बाद उस शाले लम्बू ने खैरू पर अपना कुत्ता छोड़ दी खैरू पर अपना कुत्ता छोड़ दी उसने उसका पूरा हाथ जोड़ दिया वो चीख चीख कर बिलबला रहा था और फिर जब उनमें से एक उसकी बहन की तरफ बिच कहते हुए आगे बढ़ा तो मैं रुक नहीं पाया मैं उसके सामने आ गया खैरु ने नेशनल कॉलेज के छात्रों को कितनी बार लिफ्ट दी है तांगे में इस पर वो उसे छोड़कर मुझ पर टूट पड़े मुझे लिटा नाक पर ठोकरे मारे मैं अकेला पड़ गया इनमें से कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा था फिर पुलिस आई उल्टे मेरे मेरे खिलाफ एफ लिखी गई दर्ज की गई फिर अब्बा आए तब कहीं जाकर मुझे छोड़ा सुखदेव बात क्या हुई थी मुइन खैर वो गलती से अंधेरे में एक क्लास में घुस गया था उसका घुटना टकरा गया उनसे बस टूट पड़े एक सन्नाटा सुखदेव अब बोल भाई ऐसी ऐसी गलात गलती किसकी थी मारकंड हिचकिचाता हुआ हाँ अब उसके हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है सुखदेव आजकल गलतियों के हिसाब कदा बहुत नहीं लग गया तो मुइन से चल वो हो गया ये पानी पिए उसकी गर्दन पकड़ता है अब जो ना होगा जो होना होगा वो हो जाएगा मुंह भी सुरने की जरूरत नहीं है एक धौल जमाता है भगत सिंह चुपचाप जाकर खिड़की से बाहर देखने लग गया है माहौल हल्का होता है मुइन के चेहरे पर भी मुस्कराहट आती है सुखदेव ऊँची आवाज़ में अब लेकिन ये फिल्म की बात तो रह गई बोलो आ चलते हो सारे चिल्लाते हैं हो जाए हो जाए मारकंड लेकिन ये फिल्म है कौन सी सुखदेव फिक्र मत कर चैपलिन या गार्बो की नहीं है ये है तेरी राजा हरिश्चंद्र मारकंड बननी चाहिए यार इंडियन माइथोलॉजी पर और बनने चाहिए सुखदेव हाँ बेटा जो तुम्हारे देवता पिए तो कहलाएं आसव और हम पिए तो कहलाएं विस्की ये ठागा पड़ता है खिसिया हंसी हंसता है भगवती भाई हंसते हुए वो शिकायत कर देगा लालाजी से सुखदेव व्यंग्य से हाँ लाला लाजपत राय महान स्वतंत्रता सेनानी ये मूवमेंट के बाद लालाजी कुछ बदल देंगे भगवती भाई भगवती भाई हंसते हुए हाँ बस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगने की देर है कि 1922 के पवित्र भारतीय हिंद पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो और एक ठाका पड़ता है सुखदेव अरे ये येलो पैम्फलेट पढ़ाया किसी ने मार्केट येलो पैम्फलेट ये क्या है भगवती भाई कुछ नहीं यार सन्याल बाबू ने पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक, एक एसोसिएशन बनाई है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसका टारगेट है आजाद भारत और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है उसे कहा जा रहा है पीला पर्चा या येलो पैम्फलेट मार्कंड वेरी गुड यानी आज़ादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहली बन गया सुखदेव हाँ क्यों नहीं बन सकता बेटा अगर शादी नहीं की तो क्या घर में सेहरा भी छपा कर ना रखें सारे हंसते हैं मारकंड यार लेकिन मुझे इन ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट ही नहीं रह गया कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी और भी आचार्य इससे होना जाए इससे होना होना जाना क्या है भगत तो और किससे होना जाना है मारकंड यार भगत तू मान ना मान ये कांग्रेस पिछले तीस साल से टिकी तो हुई भगत टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है मारकंड ऐसा नहीं है वो काम भी करना चाहती है सिर्फ इस नॉन कॉपरेशन वाली बात को छोड़ दे भगत नॉन कॉपरेशन वाली बात करते हैं ना मारकंड वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी सुखदेव दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा है क्योंकि इस कमरे में बैठे पच्चीस लोग उसके मारे रहे हैं मारकंड अब कुछ खाने पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है यार भगवती भाई पाया क्या? क्या क्या पाया मारकंड ठीक कुछ नहीं पाया लेकिन इसमें भी जनता के दोष है भगवती भाई क्या दोष है मारकंड भगवती भाई उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी वो तोड़ी गई उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया भगवती भाई हाँ चौरी चौरा के पुलिस ने नित्थी भीड़ पर गोली चलाई पच्चीसों लोग मारे गए भीड़ ने थाने में आग लगा दी पुलिस वाले जलकर मर गए बदले में लोगों का दोष बताते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया मारकंड तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी सुखदेव तो उसको दरवाजे पर मत्थर टेक के आगे भर जाते क्या कांग्रेस से शहीद पड़ के गया आया है मारकंड त्रिवेदी मारकंड फिजूल दा, फिजुल दामत लगाओ मैं भी उस मूवमेंट में कूदा था तुम लोगों के साथ सुखदेव हाँ बाप आई सी एस बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं तो सोचा थोड़ा एडवेंचर ही कर ले मारकंड तहजीब से बात कर सुखदेव अपनी अपनी राय रखने का सबको हक है मैं आज भी बोल रहा हूं कि इस गांधी नाम के मंदिर में कुछ बात तो है भगत खामोशी से हाँ बात तो है मुल्क के बारह बारह तेरह तेरह साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए इस कच्ची उम्र में सड़कों पर आ सकते हैं उसमें बात तो होगी ही क्या जोश था सब में आंदोलन करेंगे गांधी जी ने कहा है इन गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए स्कूल छोड़ दो बच्चे बस बस्ते नालों में फेंक कर बच्चे तैयार कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार तो अपने छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटे थे तख्तियां उठाई थी फिर एक दिन अचानक ही सुबह सुबह मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया बच्चे मुंह भाई ताक रहे हैं आसमान की तरफ सरकारी स्कूलों का गेट उनके लिए बंद सरकारी कॉलेजों में उनका दाखिला मुमकिन नहीं कहां जाएं किससे फरियाद करें कोई सुनने वाला नहीं कुछ पूछने वाला नहीं याद है तुझे तो वो दिन मारकंड अचका चाहते हुए हाँ हाँ हा, याद है लेकिन मैं फिर भी इतना परेशान नहीं हुआ था सुखदेव परेशान नहीं हुआ था अरे साले कुत्तों सामान बिलबिलाते हुए आया था नारकली के होटल पे कि अब क्या करूंगा बाप जान से मार देगा पढ़ाई कैसे जारी होगी मारकंड तू तेजी से बात कर सुखदेव सुखदेव चूल्हे ढीली हो गई थी इस कमरे के कम से कम पंद्रह लड़के होंगे वहां उस दिन गनीमत मना कि वक्त रहते लाला लाजपत राय ने ये नेशनल कॉलेज हम जैसों के लिए खुलवा दिया वरना हाथ में कटोरा लेकर दर्दक की ठुकरे खा रहा होता मारकंड गर्म होकर अरे दर्दक की ठुकरे खाए मेरी जूती पचास को तो अपने घर में नौकरी दे सकता हूँ चाहिए किसी को सुखदेव बोतल तोड़ता है उठता है साले नौकरी देगा हमको आई सी की औलाद एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो ऊपर से मजाक उड़ाते हो दूसरों की दूसरों की भावनाओं का चौरी चौरा के सिपाहियों को मरना तुझे तो याद है उनका नहीं जो उनकी गोली से मारे गए तीन साल पहले के जगने वाला कांड को तो भूल गया उन पंद्रह सौ लोगों को तो इसलिए याद नहीं रखेगा क्योंकि उनमें तेरा बाप तेरा भाई या तेरी बहन बहनी थे मारकंड दिस इज टू मच भगत ही भाई भगत भगत सिंह बड़बड़ाता है खड़ा होता है नथिंग इज टू मच नथिंग इज टू मच लेकिन मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी कि इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है आपने एंड ही इज क्राइम उसकी आंखों की कोरे गिली ज वन सीन फ्रॉम सरदार भगत सिंह दिस इज कैसे डिसोल्यूशन हुआ था वो पूरे मूवमेंट से और कैसे वो महात्मा गांधी के खिलाफ हुआ था दिस इज जस्ट एक सीन था uh, आप अगर बोर नहीं हो रहे तो एक और फ्रो <laughs> वापस सत्यजंग अस्पताल पर कैमरा वो वो आता है सीन वहाँ आता है बूढ़े की आंखें गिली हैं वो अपनी आंखें पहुँचता है आदमी जो मारकंड त्रिवेदी है और जिसको हम कैंटीन में देख चुके हैं बोलता माफ़ है कीजिएगा आपको परेशान कर दिया बूढ़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं दरअसल स्मृतियों पर इतिहास या राजनीति का वश नहीं चलता शायद इसलिए वो स्मृतियाँ होती हैं और जब व्यक्ति उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंच जाता है तो ये स्मृतियां ही उसे जलाए रखती हैं मैं उस वक्त लाहौर में नहीं था लेकिन जितनी बार सुनता हूं, नया नया सा लगता है ये आखिरी चिन्ह सुन बस आओ बैठो मारकंड शुष्क स्वर में मुझे अपनी जगह मालूम है मैं खड़ा रहना पसंद करूंगा बूढ़ा उसे देखते हुए लेकिन तुमको मैं अब भी नहीं पहचान पाया मारकंड एक अजीब सी हंसी हस्ता है मैं खुद नहीं पहचान पाया बूढ़ा मेरे पास क्यों आए हो मारकंड इतिहास में ना तो मेरी कोई जगह है ना ही मेरा इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट तो मेरा इंटरेस्ट तो उन लभों में है जो बहुत पहले ठहर गए थे और अभी तक ठहरे लगते हैं उनमें से कुछ मीठे थे तो कुछ कड़वे भी मीठे बांटने वाले तो बहुत मिल गए कड़वों के लिए बोलता बोलते रुक जाता है बूढ़ा हंसते हुए कड़वों के लिए तुम इस बूढ़े के पास चले आए जो रीढ़ की रीढ़ की हड्डी में कैंसर लिए अपनी आखिरी घड़ियाँ गिन रहा है मारकंड जी हाँ अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जिस, जिस इंसान ने बीसवीं सदी के तीसरे दशक जिस इंसान ने बीसवीं सदी के तीसरे दशक में पूरा हिंदुस्तान हिला दिया था उसको आज उसके वार्ड का जमादार भी नहीं पहचान पा रहा बूढ़ा मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं जब थी तो वो पूरी हुई और तब उसका पूरा होना हमारा मकसद था उद्देश्य था मारकंड कड़वा स्वर धीमे धीमे तेज हो रहा है मकसद आप लोगों का क्या था वो दूसरों को हिन बतलाना दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना अपने जोश और उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचलकर आगे बढ़ जाना बूढ़ा उसे खामोश देख रहा है पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार बतलाना सुखदेव को दूसरों का माहौल उड़ाने देना भगत के इंटलेक्ट के आगे दूसरों को बौना समझना और किसी गैर जानकार को भाई बंपूलाट जैसे मजाक में उलझाकर रुला देना बूढ़ा उसे लगातार घूर रहा है तुम भाई बंपू लाट को भी जानते हो मारकंड अपनी रॉ में ठाका लगाता है उन्मादी सा क्या बात थी क्या बात थी लेट अस प्लेज अवर लाइव टू अ कंट्री ये डायलॉग आज किसी घटिया तीसरे दर्जे की फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है जनाब और बूढ़ो के चारों ओर एक स्पॉट आ गया है स्टेज के कोने में बाकी स्टेज पर अंधेरा हो गया है बूला उन्मादी सा बड़बड़ाता है फिर उसका बड़बड़ाना एक उन्माद भरी हंसी में तब्दील होने लगता है लेट अस प्लेज अवर लाइव टू अवर कंट्री लटस प्लेज टू अंट्री लटस प्लेज अव लाइव टू अ कंट्री म्यूजिक के साथ में बाहर तूफानी हवा शुरू होती है अंधेरे में पात्रों ने एंट्री लेना शुरू कर दिया बोला मुझे अभी तक याद है 1924 की दिसंबर की तूफानी रात थी कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप प्रताप प्रेस के तल घर में वो खड़ा था और स्टेज के बीचों बीच एक स्पॉट आ रहा है भगत उसमें खड़ा है उसका चेहरा अब भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा नेपथ्य से उसकी आवाज़ गूंजनी शुरू हो चुकी है आवाज़ पूज्य पिताजी नमस्ते मेरी ज़िंदगी मकसद आला यानी आज़ादी आज़ादी या हिंद के उूल के लिए वक्फ़ हो चुकी है इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनियाई ख्वाहत बायस कशिश नहीं है आपको याद होगा कि जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरा यज्ञपवीत के वक्त मेरे यज्ञपवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ़ कर दिया गया है लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएँगे आपका ताबेदार स्पॉट पूरा फेड इन होता है भगत की शक्ल साफ़ होती है राम प्रसाद बिस्मिल की आवाज़ गूंजती है भगत सिंह आसपास अंधेरे में बैठे लोगों की शक्लें नहीं दिख रही हैं उनके आकार नजर आ रहे हैं कोने में बूढ़े पर एक छोटा स्पॉट चमक रहा है बिस्मिल अंधेरे में क्यों आना चाहते हो एचारे में भगत जिस वजह से आप लोग हैं बिस्मिल अपनी वजह बतलाओ भगत वजह सबकी सबकी एक है मुल्क की आज़ादी बिस्मिल कैसे मिलेगी भगत लड़ना पड़ेगा बिस्मिल अंधेरे में छोकरों को छोकरों को पीटने को लड़ना कहते हो भगत वो शुरुआत थी और शुरुआत भी कभी ना कभी होती है अशफाकुल्ला अशफाकुल्ला खां की आवाज़ गूंजती है लड़ तो पिछले सौ साल से रहे हैं अभी तक तो, तो मिली नहीं आज़ादी भगत शायद लड़ने के तरीके में गलती रह गई हल्की सी हंसी फैलती है अशफाक मुस्कुरा